दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 2023 के आईपीएल के नए सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कंप्लीट हुई है। वैसे तो इस नीलामी में सभी फ्रेंचाइजियों ने जमकर पैसे खर्च किए, लेकिन इस बार की नीलामी में इंग्लिश खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर सभी फ्रेंचाइजियों का खासा ध्यान रहा। अच्छे प्लेयर्स को अपनी अपनी टीमों में लाने के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इस वीडियो में जानते हैं इस बार की नीलामी में किसकी किस्मत चमकी, किसको लगा झटका, किस खिलाड़ी के सपने हुए साकार, किसका करियर अटका। तो तैयार हो जाइए, आज इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनको खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले कि मैं काउंटडाउन शुरू करूँ, आप जल्दी से लाइक के बटन को हिट कर दो और बगल में ही सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर भी तरस खाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। तो करना, ये तो करो ना भाई। तो इस नीलामी में नंबर 5 पर बाजी मारी है हैरी ब्रुक्स ने। हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हैरी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करके अपनी टीम के लिए खरीद लिया है। हैरी ब्रुक का बेस प्राइस 1.5 करोड़ ही था, लेकिन पाकिस्तानी दौरे पर लगातार 3 सेंचुरी लगाने के लिए हैरी भाई को 13.25 करोड़ का इनाम मिला है। मेहनत का फल मीठा होता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो इस बार की नीलामी में नंबर 4 पर रहे हैं कैरिबियाई खिलाड़ी निकोलस पुरन। निकोलस पुरन इस वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर अपने टीम में शामिल करने में कामयाब रही। अब तक के आईपीएल हिस्ट्री में वेस्टइंडीज के निकोलस भाई सबसे महंगे कैरिबियाई खिलाड़ी है। वैसे ही आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे इनका बेस प्राइस 2 करोड़ ही था। अब आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं नंबर 3 के पायदान पर। इस नीलामी में नंबर 3 पर रहे हैं इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान भी है। स्टोक्स भाई को चेन्नई सुपर किंग्स 16.25 करोड़ की मोटी कीमत पर अपनी टीम में शामिल कर पाई है। इस साल T20 के 9 मैचों की 8 पारियों में बेन स्टोक एक हाफ सेंचुरी के साथ कुल 143 रन ही बना पाए हैं। इन्हीं 8 पारियों के 20 ओवर्स में 139 रन देकर 7 विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में लगाई हाफ सेंचुरी को कौन भूल सकता है। वैसे इनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ ही था। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। इस नीलामी में नंबर 2 पर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई कंगारू कैमरून ग्रीन। 23 वर्षीय कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर है। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को 17.15 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया है मुंबई इंडियंस ने। ये भाई अपने देश के उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। इस साल 3 मैचों की सीरीज में भारत के खिलाफ बतौर ओपनर इनके तेज तर्रार 2 हाफ सेंचुरियों ने इनको स्टार बना दिया। वैसे इनके 21 T20 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी के साथ कुल 245 रन्स भी है, साथ ही 5 विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं। फाइनली हम आ चुके हैं नंबर 1 पर। और भाई, इस बार आईपीएल नीलामी के किंग इंग्लिश ऑलराउंडर खिलाड़ी श्याम करण रहे हैं। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को खरीदने के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। फाइनली पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर अपनी टीम के लिए खरीद लिया है। इस आईपीएल की नीलामी में 18.5 करोड़ की बोली के साथ ही श्याम करण आईपीएल के अब तक की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के क्रिस मोरिस को पीछे छोड़ दिया है, जिनको 2021 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा था। वैसे श्याम करण आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 13 विकेट लेकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं।
इनको ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।